नेटफ्लिक्स एक ऐसा ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो शुरू से ही क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे फोकस करता रहा है, लेकिन मूवीज की क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से कुछ ऐसी बेहतरीन मूवीज भी हैं जो कि इंडियन ऑडियंस की नजर से थोड़ी परे रह गई। तो बस आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ टॉप 5 नेटफ्लिक्स अंडररेटेड हिडन जेम्स जो की आपकी नजर से थोड़े परे रह गए। तो बस बिना किसी देरी के नेटफ्लिक्स के हिडन जेम्स को ढूंढने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। चार लोगों को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है और वो अनजान होते हैं, एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, एक दूसरे से कभी मिले नहीं होते, सब अलग प्रोफेशन के होते हैं, बिल्कुल ही अनरिलेटेड। और उन सारे लोगों को एक सर्कल के अंदर बंद कर दिया जाता है, लेकिन किसी वजह से, किसी अनजान चीज की वजह से वो लोग एक एक करके मरने लग जाते हैं। उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ 2015 में रिलीज हुई फिल्म सर्कल की, लेकिन एंड तक उनमें से सिर्फ एक ही बचने वाला है और उन 50 लोगों को चूज करना होगा कि उन्हें को बचाना है। ऑब्वियसली खुद को चूज कर नहीं सकते, किसी और को चूज करना होगा। मूवी आपके आगे इंसानियत का सच ला के रख देगी, डेफिनेटली वर्थ वॉच। तो चलो नेक्स्ट आपको एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी के बारे में बताता हूँ। मैंने भी काफी अरसों बाद एक रोमांटिक मूवी देखी है और ऊपर से उसको एंड तक खत्म किया है। इतनी अच्छी ये फिल्म है। अगर आपकी भी आपके पार्टनर के साथ छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है तो ये मूवी जरूर देखना, आपको आईना दिखाएगी ये फिल्म। मैं बात कर रहा हूँ 2019 में रिलीज हुई फिल्म ऑलवेज बी माई मेबी की। मतलब कुछ ऐसी फिल्में होती है ना जिनको देखने के बाद आपको अचानक से अपने पार्टनर की याद आने लग जाती है, बस वैसी ही है ये फिल्म। कपल्स के लिए तो ये फिल्म हाईली रिकमेंडेड है। और हाँ, सिंगल लोग मत देखना इसको, नहीं तो डीप ट्रॉमा में चले जाओगे। जब दुनिया भर के अंदर क्रिप्टो करेंसी के प्राइजेस आसमान छू रहे थे, तब जेरी कॉटन नाम के एक बंदे ने एक वेबसाइट बनाई जिसपे लोग अपना पैसा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते थे, और इसी के चलते बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा उस वेबसाइट पर इन्वेस्ट किया। मैं बात कर रहा हूँ 2022 में रिलीज हुई फिल्म ट्रस्ट नो वन की। लेकिन फिर जेरी कॉटन के साथ कुछ ऐसा हुआ, उसकी कंपनी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि सबका पैसा डूब गया। और उस बंदे के साथ अचानक क्या हुआ और उसके पीछे की क्या असली कहानी है, ये तो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। तो हमारी इस लिस्ट की नेक्स्ट मूवी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को सपोर्ट करें। इस वीडियो पे मैं लाइक एम रखता हूँ 100 लाइक्स का, आई नो कि आप कर दोगे। एक डीमोटेड पुलिस ऑफिसर जो कि पहले तो फील्ड में काम करा करता था, लेकिन अब उसको कॉल सेंटर पे बिठा दिया जाता है। और उस पुलिस ऑफिसर को एक औरत का फोन आता है और वो औरत फोन पे बताती है कि उसको किडनैप किया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ 2021 में रिलीज हुई फिल्म गिल्टी की। बस इसके आगे मैं आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा, नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा। मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक और अमेजिंग है, इसको भी एक बार जरूर से ट्राई देना। तो इसलिए इसकी नंबर 1 की फिल्म की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा रिकमेंडेशन देना चाहूंगा जो कि इस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, और वो है द नाइट कम फॉर अस, कैम, फर्स्ट किल, द प्लेटफॉर्म। ये सारी फिल्म्स बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं और हाईली रिकमेंडेड हैं। 6 अलग लोग जो कि दुनिया के लिए मर चुके हैं और इनमें से हर एक बंदा बहुत ही ज्यादा बैडएस है और एक तरह से सुपर करेक्टर है, और इन सबको रायन रेनॉल्ड्स के करेक्टर ने इकट्ठा करके एक टीम बनाई है। इस फिल्म में ये लोग तर्किस्तान के देश को उसके तानाशाह से मुक्त करने के लिए निकले हैं। मैं बात कर रहा हूँ 2019 में रिलीज हुई फिल्म 6 अंडरग्राउंड की। इस मूवी के एक्शन सीन्स, कार चेस सीन्स, लॉन्ग टेक सीन्स, सबको देख के आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आएगा कि इसको शूट कैसे किया गया है। इस फिल्म के विजुअल्स एकदम ट्रीट की तरह साबित होंगे आपके लिए, डेफिनेटली वर्थ वॉच। ये थी हमारी आज की नेटफ्लिक्स हिडन जेम्स की लिस्ट। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नेवर स्टॉप ड्रीमिंग।